हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। आज भाग 14 में हम हल करेंगे प्रश्नावली 8.4 की प्रश्न संख्या 5 के भाग 6 से भाग 10 तक। हर एक प्रश्न के हल को ध्यान से समझते हुए बच्चों नोट कीजिएगा और बाद में खुद से बिना देखे हल करके दोहराइएगा जरूर। प्रश्न संख्या 5 में हमसे कहा गया है कि दी गई सर्व समीकरणों को सिद्ध कीजिए। अब भाग 6 में हम सिद्ध करेंगे बच्चों, हम सिद्ध करेंगे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। और किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, देखिए हल में हम लिख लेते हैं जो हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। एल एच एस ले लेते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड से हल करना प्रारंभ करेंगे। अंडर रूट में आपको दिया गया है 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। और जब इस प्रकार का प्रश्न आपको दिया जाए बच्चों, जिसमें रूट के अंदर दो संयुग्मी व्यंजक हो, मतलब डिफरेंट साइन वाले, देखो 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, तो आप क्या कर दें, परिमेयकरण कर दें। क्या कर दें, परिमेयकरण कर दें, मतलब समझिए परिमेयकरण का। अगर आपको दिया गया है a प्लस बी बटे ए माइनस बी जैसा कुछ अंडर रूट में, तो आपको करना क्या है, ये जो हर वाला व्यंजक है a माइनस बी, अगर हर में a माइनस बी है तो आप अंश और हर को a प्लस बी से गुणा कर दें, इसे कहते हैं परिमेयकरण। और अगर बटे में बच्चों हर के अंदर आपको a प्लस बी दिया होता तो आप a माइनस बी से अंश और हर को गुणा करते, यानी कि चिन्ह बदल कर आप क्या कर दें, परिमेयकरण कर दें। यहाँ 1 माइनस साइन a दिया गया है, तो अब आगे देखो मैं क्या करूँगा, इसे मैं लिखूँगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, बटे में 1 माइनस साइन ए है, परिमेयकरण करने के लिए 1 प्लस साइन ए से गुणा कर देंगे अंश और हर को। 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर आपको इस तरीके का मिल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 1 प्लस साइन ए गुणा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुणा करोगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और बटे में क्या आएगा, बटे में देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी को जब आप गुणा करते हैं तो गुणनफल क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और बटे में देखो क्या ये कोस स्क्वायर ए लिखा हुआ है, अरे भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए होता है कि नहीं, और कोस स्क्वायर ए का वर्गमूल निकालोगे तो क्या आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा। अब आप क्या कर दीजिए, स्प्लिट एंड डिवाइड कर दीजिए, अलग अलग भाग लगा दीजिए, एक में भी कोस ए का भाग लगा दो, 1 बटे कोस ए लिख दो, प्लस साइन ए में भी कोस ए का भाग लगा दो, साइन ए बटे कोस ए लिख दो। 1 बटे कोस ए क्या होता है,
सेक ए होता है, साइन ए बटे कोस ए क्या होता है, ये होता है टेन ए, और यही आपके पास क्या है आरएचएस है, लिख दीजिए एच पी हैंस प्रूव्ड लिख दीजिए। इस तरीके से हल करेंगे आप प्रश्न संख्या पाँच के भाग छः को। अंडर रूट में अगर आपको दिया गया है ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, तो हमें याद होना चाहिए परिमेयकरण, परिमेयकरण करना ही इसका क्या है हल है। आप इसका परिमेयकरण कर देंगे मतलब साइन चेंज करके अंश और हर से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा वर्गमूल हट जाएगा। क्यों? क्योंकि एक प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का जब आप रूट निकालेंगे तो एक प्लस साइन ए आ जाएगा, और ये बन जाएगा कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर का वर्गमूल निकालोगे तो कोस ए आएगा, दोनों को अलग अलग करके विभाजित कर दीजिए, सेक ए प्लस टेन ए आ जाएगा जो कि आर एच एस है। बच्चों आ गया समझ में किस प्रकार से हल करना है, नोट कीजिए इसे और बाद में बिना देखे खुद से आपको हल करना है। फिर देखिए बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या पाँच का भाग सात। यहाँ पर आपको कहा गया है सिद्ध कीजिए साइन थीटा माइनस दो साइन क्यूब थीटा बटे दो कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर कितना टेन थीटा। तो हल में हम लिख लेते हैं जो हमें सिद्ध करना है उसे, हमें सिद्ध करना है साइन थीटा माइनस दो साइन क्यूब थीटा बटे दो कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर टेन थीटा। एल एच एस से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, लिख देंगे एल एच एस साइन थीटा माइनस दो साइन क्यूब थीटा बटे दो कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। क्या अंश में से साइन थीटा कॉमन आ रहा है और हर में से कोस थीटा कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए। यहाँ ऊपर तो साइन थीटा कॉमन ले लिया, बच गया एक माइनस दो साइन स्क्वायर थीटा, और हर में देखिए कोस थीटा कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा दो कोस स्क्वायर थीटा माइनस एक। ठीक है, आपको आरएचएस में चाहिए टेन थीटा, दिख गया क्या साइन थीटा बटे कोस थीटा, लेकिन ये कटेंगे तभी तो टेन थीटा आएगा, और ये कब कटेंगे जब एक जैसे होंगे। इस साइन स्क्वायर थीटा को या तो कोस स्क्वायर थीटा में बदल दो या इस कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में बदल दो। तो मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा में बदलता हूँ। कैसे बदलेंगे देखो, लिखेंगे यहाँ से आगे साइन थीटा ब्रेकिट, यहाँ पर देखो एक माइनस दो साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो एक की जगह एक माइनस दो की जगह माइनस दो, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज, और बटे में क्या है कोस थीटा दो कोस स्क्वायर थीटा माइनस एक। यहाँ तक की कहानी क्लियर? ये मैंने किसको लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसलिए यहाँ जो दो साइन स्क्वायर थीटा था वो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। आगे हल कीजिए, ये आ जाएगा साइन थीटा एक माइनस दो प्लस दो कोस स्क्वायर थीटा बटे में कोस थीटा दो कोस स्क्वायर थीटा माइनस एक। ध्यान दीजिएगा माइनस दो को मैंने अंदर गुणा कर दिया है, माइनस दो को प्लस के एक से गुणा करेंगे तो माइनस का दो, माइनस के दो को माइनस के कोस स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो प्लस का दो कोस स्क्वायर थीटा, और ये आगे अब आपके पास आ गया है। देखो देखो बच्चों साइन थीटा ये प्लस का दो कोस स्क्वायर थीटा पहले लिख लेता हूँ, एक में से दो गया तो माइनस का एक बच गया, बटे कोस थीटा दो कोस स्क्वायर थीटा माइनस एक। दो कोस स्क्वायर थीटा माइनस एक से दो कोस स्क्वायर थीटा माइनस एक कट गया, बच गया कितना साइन थीटा बटे कोस थीटा।
साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। तो ये हो गया टेन थीटा, और यही आपके पास क्या है, आरएचएस है। हैंस प्रूव लिख दीजिए। इस तरीके से हल करेंगे प्रश्न संख्या पाँच के भाग सात को। देखो सबसे पहले न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में से, न्यूमिरेटर में से तो साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, डिनोमिनेटर में से कोस थीटा कॉमन आ जाएगा। अंश में साइन थीटा और हर में कोस थीटा कॉमन ले लेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा तो मिल गया, टेन थीटा तो हमें मिल गया, बस मुझे इसको काटना है। ये काटने के लिए दोनों का एक जैसा होना जरूरी है। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम कोस स्क्वायर थीटा में बदल सकते हैं आसानी से। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा लेकर हम हल करेंगे तो ये एक जैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा दो कोस स्क्वायर थीटा माइनस एक, बटे में भी दो कोस स्क्वायर थीटा माइनस एक ही था, कट जाएगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा बनेगा। साइन थीटा बटे कोस थीटा ही क्या होता है? टेन थीटा होता है, विच इज आर एच एस, जो कि हमारा क्या है, RHS है। राइट हैंड साइड में भी टेन थीटा ही है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया राइट हैंड साइड तक पहुंच गए, इति सिद्धम बच्चों। ठीक है, अगला देखो फिर भाग आठ, बड़ा सारा है लेकिन बहुत आसान है बच्चों, और ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड परीक्षा में। यहाँ पर देखो हल में लिख लो जो आपको सिद्ध करना है उसे, आपको सिद्ध करना है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर सात प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, यही सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का व्यंजक क्या है? ये है आपके पास साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोसेक ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। क्योंकि बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, अतः इसको हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। ये तो किसका होल स्क्वायर ओपन किया मैंने? साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, तो इसे हम लिखेंगे कोस स्क्वायर ए प्लस टू कोस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए, प्लस में क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहां से हम आगे लिखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को एक साथ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए एक साथ। क्यों? क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है? एक होता है। यहां पर देखो फिर दो साइन ए डॉट कोसेक ए की जगह मैं लिख सकता हूँ एक बटे साइन ए, कोसेक ए क्या होता है? एक बटे साइन ए होता है, प्लस इसको लिख रहा हूँ दो कोस ए सेक ए की जगह क्या लिखेंगे? एक बटे कोस ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। देखो आरएचएस में आपको कोसेक स्क्वायर ए चाहिए ही नहीं, इसीलिए मैंने कोसेक ए को चेंज किया था, सेक स्क्वायर ए भी नहीं चाहिए, सेक भी नहीं चाहिए, तो इसलिए सेक को मैंने चेंज कर दिया था। तो कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? एक प्लस कोट स्क्वायर ए। यहाँ पर लिख देंगे हम एक प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह लिखेंगे एक प्लस टेन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत आई क्या इसमें? इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो साइन ए से साइन ए कट गया, ऐसे ही कोस ए से ये कोस ए कट गया, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना हो गया? एक।
यहाँ बच गया प्लस का दो, यहाँ पर भी बच गया प्लस का दो, प्लस में एक, प्लस में एक, कौन सा वाला, ये और ये, प्लस में टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए कौन से वाला, ये वाला, और प्लस में क्या, कोट स्क्वायर ए। और अब ध्यान दें, एक और दो तीन और दो पाँच और एक छः और एक सात, कितना हो गया, सात प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, और यही क्या है, आर एच एस है, लिख देंगे एच पी, लिख देंगे एच पी, हैंस प्रूफ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, आसान है बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के ओपन करना है, ओपन करते ही आपको समझ में आ जाएगा आर एच एस को देख कर कि आपको कोसेक ए नहीं चाहिए तो कोसेक ए को चेंज कर दो, साइन ए नहीं चाहिए तो साइन ए को भी चेंज कर सकते थे आप, एक बटे कोसेक ए में तो वो कोसेक से कोसेक कट जाता है, ऐसे ही कोस और सेक क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम में, इन दोनों में से एक को चेंज कर देते तो भी कट जाता। फिर कोसेक स्क्वायर ए नहीं चाहिए तो इसको हम कोट में चेंज कर सकते हैं क्योंकि कोट स्क्वायर ए चाहिए, एक प्लस कोट स्क्वायर ए को ही कोसेक स्क्वायर ए बोलते हैं, ऐसे ही सेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख देंगे, एक प्लस टेन स्क्वायर ए, सब कुछ कट पिट गया, आपके पास आर एच एस आ जाएगा, ठीक है ना, नोट कीजिए इसको, और बिना देखे हर एक प्रश्न को आपको बच्चों हल करना है, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगला देखो फिर भाग नो, यहां पर आपको सिद्ध करना है कोसेक ए माइनस साइन ए गुणा सेक ए माइनस कोस ए बराबर एक बटे टेन ए प्लस कोट ए, कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे जो सिद्ध करना है उसे, ताकि हमें समझ में आए कि क्या सिद्ध करना है, ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ के लिख लीजिए बच्चों, कोसेक ए माइनस साइन ए गुणा सेक ए माइनस कोस ए बराबर आपको लाना है एक बटे टेन ए प्लस कोट ए। देखो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है, जो व्यंजक है उसे लिख लो, कोसेक ए माइनस साइन ए गुणा सेक ए माइनस कोस ए, क्या करें, रामबाण ट्रिक क्या है, सबको किस में चेंज कर लें, साइन कोस में चेंज कर लें, तो कोसेक ए की जगह हम लिख सकते हैं एक बटे साइन ए माइनस, इसको आप लिख दें साइन ए बटे एक, ठीक है ना, साइन ए को साइन ए बटे एक लिख सकते हैं ना, ऐसे ही इधर सेक ए को क्या लिखेंगे, एक बटे कोस ए माइनस कोस ए को क्या लिख सकते हैं, कोस ए बटे एक, बटे में एक तो लगा ही सकते हैं, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, साइन ए और एक का क्या जाएगा, साइन ए आ जाएगा, साइन ए का साइन ए में भाग लगाइए एक बार, एक को एक से गुणा करके लिखेंगे एक आ जाएगा, ये वाला माइनस ये रहा, एक का भाग लगाइए साइन ए बार, और साइन ए को साइन ए से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, इधर इधर एलसीएम क्या आएगा, कोस ए आएगा, और ये आ जाएगा एक माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है, एक माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, एक माइनस साइन स्क्वायर ए होता है बच्चों कोस स्क्वायर ए, बटे में क्या है, बटे में है साइन ए, गुणा एक माइनस कोस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर ए, बटे में क्या है कोस ए, तो अब देखो काटो, कोस स्क्वायर ए था, इस कोस ए से कट जाएगा तो कोस ए बच जाएगा, साइन स्क्वायर ए को साइन ए से काटोगे तो साइन ए बच जाएगा, तो कोस ए साइन ए बच जाएगा एलएचएस में, क्या आ गया क्या आरएचएस, नहीं आया, यहाँ तक हल कर लें, यहीं छोड़ दें, आरएचएस को भी हल कर लें, आरएचएस को भी हल कर लें, फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा इधर से ही डायरेक्ट आरएचएस कैसे लेके आएंगे, फिलहाल आप यहीं छोड़िए, आरएचएस को भी अलग से सोल्व कर लीजिए, जब आप अटकें रुक जाएं कि उससे आगे नहीं हो रहा है तो आप वहीं छोड़ दें बच्चों, आरएचएस साइड को सोल्व कर लें, आरएचएस को सोल्व करोगे तो भी यही आ जाएगा, आप कह देंगे एलएचएस इक्वल टू क्या है आरएचएस, देखो अब लिखेंगे, अब आरएचएस राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आपके पास है एक बटे टेन ए प्लस
कोटे, एक बटे टेन ए प्लस कोटे, इनको भी साइन कोस में चेंज कर लो, ये हो जाएगा एक बटे टेन को चेंज करोगे तो साइन बटे कोस, तो ये हो जाएगा साइन ए बटे कोस ए, कोट को चेंज करोगे तो कोस बटे साइन, तो कोट ए की जगह लिखेंगे कोस ए बटे साइन ए, एलसीएम ले लें और जोड़ दें तो आ जाएगा एक बटे, देखो एलसीएम लो, कोस ए साइन ए का एलसीएम आ जाएगा कोस ए साइन ए, एलसीएम में कोस ए का भाग लगाओ, एलसीएम में इस कोस ए का भाग लगाओ क्या बचेगा साइन ए, साइन ए को साइन ए से गुणा करके लिखोगे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन ए का भाग लगाओ कोस ए बच जाएगा, कोस ए को कोस ए से गुणा करके लिखोगे क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, ठीक है, व्युत्क्रम हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा कोस ए साइन ए बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है एक होता है, तो ये हो जाएगा कोस ए साइन ए बटे एक, अर्थात एक का भाग लगा लो बच्चों, एक का भाग लगाओगे तो क्या आएगा वही आ जाएगा कोस ए साइन ए, तो आपने एल एच एस को सोल्व किया कोस ए साइन ए आ गया, आर एच एस को सोल्व किया कोस ए साइन ए आ गया, अतः लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस बराबर राइट हैंड साइड आर एच एस, हैंस प्रूफ। अब मैं बात कर लेता हूं कि डायरेक्ट एल एच एस से आर एच एस कैसे लेके आते हो, देखो यहां तक तो आपने सोल्व कर लिया कोस ए साइन ए, और इसके आगे आपको कैसे दिमाग लगाना है उस पर विचार करो, कोस ए साइन ए को आप लिख देंगे कोसे बटे कोस ए साइन ए बटे एक, लिख सकते हैं एक की जगह आप लिख दें कोस ए साइन ए बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, उल्टा दिमाग लगाइए ना, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर इसको आप लिख सकते हैं एक बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए के बटे में कोस ए साइन ए, और अब आप कर दें स्प्लिट एंड डिवाइड, अलग अलग करके भाग लगा दें तो ये आ जाएगा एक बटे साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए साइन ए प्लस कोस स्क्वायर ए बटे कोस ए साइन ए, साइन स्क्वायर से ये साइन ए एक बार कट जाएगा, कोस स्क्वायर से ये कोस ए एक बार कट जाएगा, साइन ए बटे कोस ए क्या होता है ये होता है टेन ए, और कोस ए बटे साइन ए क्या होता है कोटे, ये हो जाएगा कोटे, तो एक बटे टेन ए प्लस कोट ए आ गया ना, वैसे बच्चों आपको करना क्या है इसको ध्यान में रखना है सिर्फ अपनी ये साबित करने के लिए कि हम ऐसा एल एच एस से आर एच एस में ऐसे आ सकते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने के लिए, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में हमें अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें सिर्फ बच्चों प्रश्न जो पूछा गया है उसका आंसर देना है, ज़्यादा दिमाग उसको नहीं दिखाना है, एल एच एस को और आर एच एस को अलग अलग सोल्व कर लें, अलग अलग सोल्व कर लें, दोनों में क्या आ जाएगा कोस ए साइन ए, इधर भी क्या आ जाएगा कोस ए साइन ए आ जाएगा, ठीक है ना, तो इस तरीके से एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ जाएगा, ये एक्स्ट्रा के लिए आप अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। फिर देखो अगला भाग 10, प्रश्न संख्या 5 के भाग 10 में आपको सिद्ध करना है एक प्लस टेन स्क्वायर ए, पढ़ते ही सर्वसमिका याद आ गई, बटे एक प्लस कोट स्क्वायर ए, ये भी एक सर्वसमिका है, ये बराबर सिद्ध करना है एक माइनस टेन ए बटे एक माइनस कोटे का होल स्क्वायर, और ये सब बराबर होता है किसके टेन स्क्वायर ए के, ऐसा आपको सिद्ध करना है, तो लिख लेते हैं एक बार प्रश्न को हल में और फिर हल करेंगे बच्चों, देखो हमें सिद्ध करना है एक प्लस टेन स्क्वायर ए बटे एक प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर एक माइनस टेन ए बटे
एक माइनस कोटे का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए। ठीक है, लिखेंगे यहाँ एक प्लस टेन स्क्वायर ए बटे एक प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर ए, और सेक ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एक बटे कोसे, ये हो जाएगा एक बटे कोस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए की जगह आप लिखेंगे एक बटे साइन स्क्वायर ए, और यहाँ से ये आ जाएगा एक बटे कोस स्क्वायर ए गुणा, इसका व्युत्क्रम करके गुणा करो, साइन स्क्वायर ए बटे एक, और ये आपके पास आ जाएगा एक गुणा साइन स्क्वायर ए क्या, साइन स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए को एक से गुणा करोगे कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है बच्चों टेन थीटा, तो साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये तो टेन स्क्वायर ए के बराबर है। अब देखते हैं ये बीच वाला जो व्यंजक है क्या ये भी टेन स्क्वायर ए के इक्वल है, तो लिखेंगे तथा एक माइनस टेन ए बटे एक माइनस कोट ए का होल स्क्वायर बराबर, सबको साइन कोस में चेंज कीजिए, यह आ जाएगा एक माइनस साइन ए बटे कोस ए बटे में एक माइनस कोस ए बटे साइन ए, और इसका क्या चल रहा है होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई क्या, टेन ए की जगह क्या लिख दिया साइन ए बटे कोस ए, और कोट ए की जगह क्या लिख दिया कोस ए बटे साइन ए। अब ले लीजिए एलसीएम अंश में और हर दोनों में, तो ये तो हो गया एक बटे एक, इसको भी लिख दीजिए एक बटे एक, अंश में तो आपके पास आ जाएगा देखो एलसीएम कितना कोस ए आ जाएगा, और ये हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए, कैसे, अरे एक का भाग लगाओ किस में एलसीएम में, क्या आएगा कोस ए, उसको गुणा करके लिखो अंश से, तो क्या जाएगा एक गुणा कोस ए कोस ए, कोस ए का कोस ए में भाग लगाओगे एक बार, एक को साइन ए से गुणा करके लिखोगे साइन ए। ऐसे ही आप हर में भी हल कीजिए, तो ये देखो यहाँ एलसीएम आ जाएगा साइन ए, और ये बन जाएगा साइन ए माइनस कोस ए, और इसका चल रहा है होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे देखो इसे आगे हम किस तरीके से हल करेंगे, ये हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए बटे कोस ए गुणा, ये बटे वाले भिन्न का व्युत्क्रम करके गुणा करते हैं ना, तो यह आ जाएगा साइन ए बटे माइनस कोस ए माइनस साइन ए। क्या किया है ध्यान से देखिए, इसका चल रहा है होल स्क्वायर, ये साइन ए माइनस कोस ए था ना, इसमें से मैंने माइनस उभयनिष्ठ ले लिया, तो माइनस उभयनिष्ठ लेने के बाद में ये कोस ए माइनस साइन ए बन गया। ऐसा मैंने क्यों किया है, ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये भी क्या है कोस ए माइनस साइन ए, तो ये कोस ए माइनस साइन ए से कोस ए माइनस साइन ए कट गया, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस में टेन ए का होल स्क्वायर। अब ये टेन कहाँ से आ गया, साइन ए बटे कोसे, और ये वाला माइनस, साइन ए बटे कोसे क्या होता है टेन ए, ये वाला माइनस ये रहा, माइनस के टेन ए का होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस वाले का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। अतः बच्चों लिख देंगे, अतः हम लिख सकते हैं एक प्लस टेन स्क्वायर ए बटे एक प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर एक माइनस टेन ए बटे एक माइनस कोटे का होल स्क्वायर बराबर किसके होते हैं, ये दोनों टेन स्क्वायर ए के बराबर होते हैं, यही हमें सिद्ध करना था, लिख देंगे हैंस प्रूफ।
लिख देंगे, हैंस प्रूफ। प्रश्न संख्या 5 का भाग 10 इस तरीके से हल करेंगे। नोट कीजिए बच्चों इसे भी, सभी प्रश्नों को आपको फिर से एक बार बिना देखे हल करना है। इस तरीके से बच्चों आप कंप्लीट कर लेंगे पूरा अध्याय 8। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ अगली कक्षा में, तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।